हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण में इस समय मैं आपको कल अभी मैंने आपको पढ़ाया जो है पदबंध के बारे में, भेद के बारे में, पहचानने के बारे में, क्योंकि इससे जो संबंधित सवाल है परिभाषाओं से एक तो सवाल पूछा है पदबंध में, और दूसरी चीज जो है पहचानने से सवाल पूछा है यूपी ट्रिपल आर सी। आज उसके जस्ट आगे, क्योंकि पदबंध और जो है उपवाक्य में मैंने आपको विभेद बताया था कि मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह उपवाक्य के बारे में है कि उपवाक्य को कैसे पहचानते हैं, कितने भेद होते हैं, क्योंकि उपवाक्यों से भी संबंधित सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, वाक्य आपके जो है पाठ्यक्रम में शामिल है, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी के पाठ्यक्रम में जो आपका ग्रेजुएट लेवल का और 10+2 लेवल का है, दोनों पाठ्यक्रमों में ये चीजें आती हैं। तो वाक्य से लगभग आप यह मान के चलिए कि अगर 25 क्वेश्चन आने हैं हिंदी में किसी परीक्षा में, तो वहां वाक्य से संबंधित जो सवाल होंगे 2 से 3 जो है क्वेश्चन आपका वाक्य का बनता है। किसी में अशुद्धि पूछेगा कि 4 में से कौन सा आपका जो है अशुद्ध है, और किसी में शुद्ध पूछ लेता है कि दिए गए वाक्यों में से शुद्ध कौन सा होगा, और कभी कभी पूछ लेता है कि वाक्य में कहां पर गलती है। ठीक है, तो 3 तरीके के प्रश्न इसमें वाक्यों से पूछता है, और उपवाक्य से भी संबंधित सवाल मिल जाएंगे आपको देखने को। इसीलिए आज उपवाक्य को समझते हैं। ठीक है, अभी तक की हिंदी की जितनी क्लास हुई, आपकी हिस्ट्री की जितनी क्लास हुई है, पॉलिटी की जितनी क्लास हुई है, या उसके अलावा जो भी क्लासेज हुई हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो अभी भी आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत जितनी क्लासेज हैं उनकी पीडीएफ, और जो आपको डेली बेसिस पर क्लासेज कराई जाती हैं उनकी क्विजेज भी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो उन सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं, और वह आपका मात्र 499 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान पर 3 महीने के लिए वैध है। अभी भी ये नाम मात्र का शुल्क है, यानी हर एक क्लासेस प्रॉपर वे में चलते रहेंगी, ये ऐसे ही पूरा शेड्यूल जारी रहेगा। तो इसमें आप जो है ऐप से सीधा परचेज करके और इससे जुड़ सकते हैं, ताकि सभी पीडीएफ आपको एक्सेस हो जाए और आसानी से आपको एक बढ़िया नोट्स और हर एक क्लासेस की क्विज उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अन्य भी हमारे जो प्रोग्राम है, जैसे लोअर मेंस का हमने क्रैश कोर्स शुरू किया, फुल कोर्स शुरू किया है, एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स जो टेस्ट सीरीज है उसमें 60 नोट्स भी हैं, 16 टेस्ट सीरीज है आपका, 16 में आप देखोगे तो सब्जेक्टिव है, प्लस पेपर 1 पेपर 2 मिला के 25 टेस्ट हो जाते हैं, वह 25 टेस्ट उसमें हैं, और जो है सभी के 60 नोट्स हैं, वो आपका क्रैश कोर्स में है। और दूसरा जो फुल कोर्स है उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, डेली बेसिस पर टेस्ट मिलेगा, डेली टेस्ट है। ठीक है, वीकली फुल टेस्ट है, डेली बेसिस पर टेस्ट है। तो ट्रिपल एस सी की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप भले ही मेंस देना है या नहीं देना है, आप उस प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज्यादा मतलब एकदम उसी पैटर्न पर सब कुछ चलेगा, तो अपने आप को आप अच्छा तैयार कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको लोअर मेंस देना तभी उस क्रैश कोर्स में एडमिशन लें। आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की हेडिंग आप लोग डालिए, आज का जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक है उपसर्ग, वो उपवाक्य। उपसर्ग तो बहुत पहले पढ़ा दिया है मैंने। उपवाक्य इंग्लिश में इसको अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, आज इसी को पढ़ते हैं। उपवाक्य मतलब वाक्य से थोड़ा सा जो है छोटा। ठीक, जैसे प्रधान होते हैं और उप प्रधान होते हैं, ठीक, प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख होते हैं, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही उपवाक्य, देखो मैंने जब आपको क्रिया पढ़ाया था तो क्रिया में मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि क्रिया में समापिका क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा अगर आपको ध्यान होगा। और जो लोग पहली बार इन सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, भैया प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर हर एक हिंदी के पड़े हुए हैं, लगभग ये 26 या 27 नंबर की क्लास है, पूरा सीरियल से 1-2 देख डालो। इसके बाद आपको किताब वगैरह पर जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की है, वो भी मैं क्वेश्चंस कुछ दिनों के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करवाना प्रारंभ करूंगा, तो वहां से कर लेना। तो हिंदी आपकी जो है ट्रिपल एस सी के बेस पर जो गलतियां आप करते हैं कभी कभार, वो सब कुछ आपकी समाप्त तो हो जाएंगी। समापिका क्रियाओं में मैंने आपसे बात किया था कि जहां पर काम आपको पूरा मिलता है, समापिका क्रिया, क्रिया तो वैसे ही पार्ट होता है, लेकिन इसका विशेष नाम कहने का अर्थ ये होता है कि वाक्य में आपको
कभी कभी यह जो है मिलेगा देखने को कि वाक्य में कई काम आपके कंप्लीट हैं। ठीक, तो एक जो परिभाषा इसकी साधारण सी अगर हम लिखना चाहें उपवाक्य की, तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जब वाक्य में, ठीक, इसकी परिभाषा साधारण सी अगर आप बनाना चाहें, जब वाक्य में कई समापिका क्रियाएं होती हैं, जब वाक्य में कई समापिका क्रियाएं होती हैं, यानी जब वाक्य में कई काम समाप्त हों, जैसे एक मैं उदाहरण लिखूं आपके सामने, मैंने उदाहरण लिखा कि राधा ने कहा कि राम के घर आते ही बारिश शुरू हो गई। अब इसमें आप देखिए कितने काम कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, राधा ने कहा, पहला काम कंप्लीट, एक समापिका क्रिया मिल गई, राम के घर आते ही दूसरी समापिका क्रिया मिल गई, और तीसरा कह रहा है बारिश शुरू हो गई। तो ये तीन समापिका क्रियाएं मिल रही, यानी जहां पर अब उपवाक्य की परिभाषा ऐसी होगी कि जब वाक्य में कई समापिका क्रियाएं आएंगी तो वहां कई उपवाक्य बनते हैं। ठीक, जब वाक्य में एक साथ कई समापिका क्रियाएं आती हैं तो वहां उतने ही उपवाक्यों का निर्माण होता है। उपवाक्य में एक चीज आपको याद ध्यान रखनी है कि उपवाक्य में आपका उद्देश्य भी होता है और साथ ही साथ विधेय भी होता है, यानी सब्जेक्ट भी मौजूद होगा और प्रेडिकेट भी मौजूद होगा। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट भी यहां मौजूद होता है, करने वाला भी मौजूद होता है, और जो विधेय है वह भी मौजूद होता है। तो उपवाक्य की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों मिलते हैं। इससे पहले जो आपको मैंने समझाया, उसमें मैंने आपको यह समझाया था कि इसमें कहीं भी आपको संपूर्ण अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन उपवाक्य में जो है ऐसा अर्थ मिलेगा कि वहां पर आप सारी चीजों को समझ पाओ। उपवाक्य में इसके जो भेद बनते हैं, उपवाक्य के दो भेद होते हैं, उपवाक्य के जो भेद बनते हैं यह दो भेद बनते हैं। कैसे? उपवाक्य में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक आपका होता है प्रधान उपवाक्य, ये मुख्य होता है, प्रधान या मुख्य उपवाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा जो आपका बनता है वह होता है आश्रित उपवाक्य, मतलब ये दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरा का मतलब प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। तो जब भेद आप पढ़ोगे तो इसके दो भेद होते हैं, एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा होता है आपका आश्रित उपवाक्य। प्रधान या मुख्य उपवाक्य आप ऐसा बोल सकते हो कि वह उपवाक्य जो स्वतंत्र हो, ठीक है, जो स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर ना हो, वह प्रधान या मुख्य उपवाक्य है। और आश्रित का अर्थ होता है कि जो आपका प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता हो, किसी पर, किसी क्या मतलब, किसी क्या, वह पूरी तरीके से प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता हो, वह आश्रित उपवाक्य होता है। तो जब ये प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करेगा, मतलब संपूर्ण अर्थ समझने के लिए हमें आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पर जो आगे इसके जब प्रकार पढ़ोगे तो वहां आश्रित के तीन भेद आपके बनते हैं। जो आश्रित उपवाक्य होता है इसके तीन भेद बन जाते हैं, उनमें पहला आपका बन जाता है संज्ञा। ठीक, जब यह आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की जो है कर आश्रित उपवाक्य में आपको ऐसा मिले कि यही सब कुछ करने वाला है, तो वहां यह संज्ञा उपवाक्य के जैसे आपका व्यवहार करता है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा होता है आपका विशेषण। ठीक है, विशेषण में जब यह जो है प्रधान उपवाक्य की विशेषता बतलाने लगता है आश्रित उपवाक्य, तो वह विशेषण जो है उपवाक्य कहा जाता है। और तीसरा जो बन जाता है, जहां पर आपको यह क्रिया की विशेषता बतलाने लगता है, आप जो है आश्रित उपवाक्य जहां क्रिया की विशेषता बतलाने लगता है, वहां यह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। तो तीन इसके उपवाक्य मतलब इसके भेद होते हैं, और बाकी इसके मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वह दो बनते हैं, एक तो प्रधान बनता है, दूसरा आश्रित बनता है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने सारी चीजें बताई। अब इन पर बढ़ते हैं आगे, जो चीजें मैंने और
जो है इसमें उदाहरण अभी नहीं बताए हैं, तो उदाहरणों को समझ लीजिए थोड़ा सा और व्यापक। उपवाक्य की जो मैंने परिभाषा आपको बताई वह भी सही है। आप दूसरे शब्दों में समझना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है, जैसा मैंने आपको जो है बताया। अगर सरल शब्दों में देखें तो जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है वह उपवाक्य होता है। समझ गए? इसके बाद एक और बात याद रखिएगा, जैसे एक यहां पर जो मैंने उदाहरण लिया है, उदाहरण के तौर पर यहां लिखा हुआ है कि मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। यहां पर दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि उपवाक्य जो होगा इसमें सबसे जरूरी जो बातें होती हैं कि एक आपका सब्जेक्ट मिलना जरूरी है, कर्ता होना इसमें जरूरी है। दूसरी बात, कर्ता के साथ साथ इसमें क्रिया का मौजूद होना भी आवश्यक है। यह उपवाक्य को दर्शाने में बहुत जरूरी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, जहां पर उपवाक्य हमें पहचानना है वहां यह ध्यान देना है कि इसमें उद्देश्य भी मिलना चाहिए और विधेय भी हमारा मिलना ही चाहिए, क्योंकि अर्थ तभी तो कंप्लीट होगा, अपने आप में पूरा होगा, जब इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों बातें आएंगी। अब इसमें समझिए, जैसे दूसरा फिर आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। अब यहां पर भी देखिए, इसमें भी कर्ता मौजूद है, क्रिया मौजूद है, इसमें भी कर्ता मौजूद है, क्रिया मौजूद है, यानी दो दो उपवाक्य मिल रहे, एक मुख्य होगा एक आपका कैसा होगा, एक जो बनेगा वह आपका आश्रित उपवाक्य बनेगा। इनमें जितनी भी चीजें हैं, हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर आपको कैसे शब्द मिलेंगे, कि लगा मिलेगा, जिससे लगा मिलेगा, ताकि जो जितना ज्यों त्यों चूंकि क्योंकि यदि यद्यपि जब जहां, ऐसे शब्द जहां आपको लगे मिले हैं वाक्यों के बीच में, वहां समझ जाना कि यह उपवाक्य को कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। अब उपवाक्य के भेद में मैंने आपको बताया कि पहला भेद होता है प्रधान उपवाक्य, और दूसरा जो बनता है वह होता है आश्रित। प्रधान का अर्थ यह होता है कि जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जाए, पूरा जो वाक्य लिखा है उससे अलग लिख दो तब भी क्या हो, उसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, यह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होता है यह प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता और यह स्वतंत्र भी नहीं लिखा जा सकता आश्रित वाले को। समझिए, यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं, यहां पर जो लिखा है यदि सोहन आ जाए ठीक तो मैं उसके साथ चलूं, यह कंडीशन है, शर्त है, दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक, अब इसको देख लो, मैं उसके साथ चलूं, ये अपने आप में पूरा है, स्वतंत्र है, प्रधान उपवाक्य हो गया। दूसरा जो लिखा है यदि सोहन आ जाए तो यह आश्रित है, आने वह अर्थ तभी कंप्लीट होगा जब आप प्रधान उपवाक्य को इसके साथ मेल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उपवाक्यों को जहां पहचानना है कि कहां पर उपवाक्य कौन सा लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उपवाक्य आपके की, जिससे, की, ताकि, ज्योंही आदि शब्दों से, ये जितने शब्द लिखे हैं इनसे आरंभ होते हैं, वह समझ जाना हमेशा कि ये आश्रित उपवाक्य है। समझे? ये आश्रित उपवाक्य होंगे। इसके ठीक विपरीत जो उपवाक्य इन शब्दों से आरंभ नहीं होते वह प्रधान उपवाक्य होते हैं। अब मैंने बताया आश्रित उपवाक्य के प्रकार क्या होते, तीन प्रकार बनते हैं भैया। एक तो या नाउन क्लास के जैसे बिहेव करता, दूसरा एडजेक्टिव होता है, और तीसरा एडवर्ब होता है, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैंने परिभाषा के तौर पर आपको पहले ही बताया कि जब उपवाक्य आपका जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे, संज्ञा के जैसे उसकी सहायता करे या कारक के जैसे जब सहायता करता है, तो हमेशा ध्यान रखना वह संज्ञा उपवाक्य होगा। कैसे पहचानना, कैसे हो, अगर इसकी दूसरे शब्दों में हम परिभाषा बोले तो यह बोल सकते हैं कि जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य यानी कर्ता, कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक,
अब इसमें हमें यह ध्यान नहीं देना कि यह सकर्मक है कि यह कर्मक है, ऐसी चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना है। यह दोनों का रोल अदा करता है, दोनों का काम करता है। जैसा संज्ञा करती है, देखो इसकी अगर संज्ञा उपवाक्य आपको पहचानना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि उपवाक्य के पूर्व में अगर कि लिखा हुआ है तो वह समझ जाना कि संज्ञा उपवाक्य। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहां मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य हो गया क्योंकि उससे पहले की शब्द आपका लगा हुआ है। जहां की आए तो वहां समझ जाना कि यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। मैं नहीं जानता कि वह कहां है, अब यहां फिर की शब्द आया तो वह कहां है यह संज्ञा उपवाक्य जैसा हो जाएगा। ठीक, यहां वह वैसे ही देखो तो क्या है, सर्वनाम ही तो है। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा उपवाक्य जो है संज्ञा क्या कार्य करते, पूरा का पूरा जो उपवाक्य होगा वह संज्ञा के जैसे बिहेव करेगा, किसी के नाम जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, कैसे समझो इसको, एक चीज है यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि किसी क्रिया का भी वह कर्ता हो सकता है संज्ञा उपवाक्य। जैसे गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, ठीक, आगे इसी में लिखा है अक्षरशा सत्य है, ये पूरा एक वाक्य लिखा है कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे अक्षरशा सत्य है। अब ये पूरा वाक्य जब आप देखोगे यहां पर जो ये अंत में लिखा हुआ है अक्षरशा सत्य है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और बाकी जो आपका लिखा हुआ है गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे यह संज्ञा उपवाक्य है क्योंकि यह क्रिया का कर्ता है। समझ गए, ऐसे पहचानना होता है। दूसरा, किसी क्रिया का कर्म अगर है तो वहां पर भी संज्ञा उपवाक्य वैसे भी बिहेव करता है। समझिए, जैसे वाक्य आपके सामने लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुम आलसी हो, अब यहां मैं जानता हूं अपने आप में स्वतंत्र है, सब कुछ अर्थ दे रहा, तो यह प्रधान वाक्य हो गया, और की के बाद जो आपका बाकी बचा वह क्या हो गया, वह आपका कैसे बिहेव कर रहा, कर्ता के जैसा, करने वाला तो यही है तुम आलसी हो, तो यह क्या बन जाएगा, संज्ञा उपवाक्य बन जाएगा। मैं जानता हूं प्रधान हो गया और कि तुम आलसी हो, यह संज्ञा उपवाक्य हो गया, क्रिया का कर्म हो गया। ऐसे तमाम इसमें जितने भी हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो चीज हमें समझनी है दूसरा, वह है विशेषण उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे समझिए, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मतलब जो इसका काम पहले भी है वही काम यह भी कर रहा लेकिन यहां उपवाक्य की भांति व्यवहार करता, इसलिए इसको हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। भाई विशेषण की तो परिभाषा वही है कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतला दे। अब समझ लीजिए, जैसे दूसरे शब्द में कहें कि जो गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बतलाए, वह विशेषण आपका क्या होता है, उपवाक्य होता है। अब उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे एक वाक्य मैंने यहां लिया है कि वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। अब इस पूरे वाक्य को जब आप देखेंगे तो वह विद्यार्थी बीमार है, ठीक, प्रधान उपवाक्य हो गया, और उसके बाद जो कल अनुपस्थित था यह विशेषण उपवाक्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो कल अनुपस्थित था यह विशेषण उपवाक्य हुआ, और बाकी जितना लिखा है वह विद्यार्थी बीमार है यह प्रधान उपवाक्य हो गया। इसका अर्थ पूरा का पूरा यहां मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज जैसे यहां पर आपको कंफ्यूजन हुई होगी कि मैंने यहां पहला शब्द वह हुआ, बाद में बीमार है, ठीक, वह विद्यार्थी के बाद में जो कल अनुपस्थित था, अब यह शब्द आपको क्या हो गया, यह भ्रमित करने वाला हो गया कि यह कैसे हो गया, आखिर बीच में सारी चीजें कैसे आ गई। ये जो आपका लिखा है जो कल अनुपस्थित था, अब इतनी चीजें यहां पर इतना शुरू हुआ, पूरा उपवाक्य नहीं रहा, बाद में लिया गया, ऐसा होता है भैया, ये उपवाक्य के अंतर्गत चीजें आती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है कि मैंने कहा कि तुमने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सबसे सस्ती है। मैंने कहा कि तुमने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सबसे सस्ती है। अब इसमें देखिए उपवाक्य को देखिए, अब यहां पर मैंने कहा यह अपने आप में संपूर्ण अर्थ को दे रहा, स्वतंत्र लिखा है तो यह प्रधान उपवाक्य होगा। दूसरी बात,
कि तुमने कलम खरीदी है यह संज्ञा उपवाची, तुमने कलम खरीदी है यह संज्ञा उपवाची हो गया, और जो कहा शब्द लिखा है यह क्रिया का कर्म है। ठीक, जो बाजार में सस्ती है, जो बाजार में सस्ती है विशेषता तो यही है। तो यहां पर जो विशेषण उपवाची बनेगा वह यह बनेगा, क्योंकि इसने बताया कि तुमने जो कलम खरीदी वह कलम सस्ती है, संज्ञा उपवाक्य की इसकी इसने जो है विशेषता बतलाई, इसलिए विशेषण जो बनेगा वो यह होगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला जो तीसरा विभेद आपके सामने लिखा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लॉज, इसको समझे। जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे दूसरा शब्द इसमें ले, दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित करें तो ध्यान दें, जो गौण या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल या स्थान आदि से संबद्ध विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलेंगे, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण को समझ लें, जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस चीज को ध्यान करिए, इस वाक्य पर जो है ध्यान लगाइए। जैसे पहला जो लिखा है जब पानी बरसता है, ठीक, अब यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, भैया बरसना एक क्रिया है और पानी बरसता है तो यह क्रिया की विशेषता को बदला रहा, तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण बना। और जैसे क्रिया विशेषण में एक बात को और आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्रिया विशेषण जब आपको पढ़ाया था वहां भी समझाया था कि इसमें समय स्थान कारक प्रयोजन परिमाण आदि बताते हैं, ये जो वो उपवाक्य होंगे। ऐसा नहीं है कि क्रिया की ही विशेषता बतला दे, समय को बता दिया, स्थान को बतला दिया, कारक को बतला दिया, इन सभी को अगर बतलाने लगे तो वहां समझ जाना कि ये क्रिया विशेषण की ही भांति व्यवहार कर रहे हैं। इनका आरंभ कैसे होता है? जहां पर आपको शब्द मिले, जब, जहां, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, अगर ऐसे शब्द आपको मिल रहे तो वहां पर आप समझ जाना कि ये सारे शब्द क्या हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य को दर्शा रहे। ठीक है, चलिए जैसे उदाहरण लिखा है, जब पानी बरसे खेत जोत डालना। अब यहां समय दर्शाया जा रहा, भैया जब पानी बरसेगा वह समय आएगा तब खेत को जोतना है, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला है, जहां सज्जनों का मान होता वहां लक्ष्मी का निवास होता। अब यहां स्थान आपको दर्शा रहा कि जहां सज्जनों का मान होता वह स्थान। समझ, आगे बढ़ते हैं। मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है। अब यहां कारण को बता रहा, जब कारण बता रहा तो क्रिया का कारण हो गया, इसलिए यह किसका उदाहरण होगा? यह आपके क्रिया विशेषण का उदाहरण बनेगा। मुझे पुस्तकें दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूं। अब यहां प्रयोजन को दर्शा रहा, मुझे पुस्तकें दे दो जिससे मैं पाठ को याद कर लूं, एक उद्देश्य है, प्रयोजन है, तो यह क्या होगा? क्रिया विशेषण के अंतर्गत होगा। तो उम्मीद है इन सारे जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं बहुत ढंग से आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे कल हम बात करेंगे, जैसा कि UP SSC के आपके सिलेबस में है, वाक्य के बारे में। ठीक, तब तक वीडियोज को ढंग से देखो, ढंग से पढ़ो, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका जानना। फिर मिलते हैं आगे।